हेलो हेलो, नमस्कार 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 जी, मकान विकास फ्री सेंटर से मैं बोल रहा हूँ सर। जी जी बताइए। आपने फ्री वाले मकान के लिए गरीबी रेखा का फॉर्म भरा था? जी 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 हाँ, उसमें आपका 3 महीने सिलेक्शन पहले ही हो चुका है। अच्छा, तो अभी क्यों मतलब फोन किया, इतनी लेट क्यों फोन किया आपने ये बताइए। उसके बारे में हम लोग ने जांच पड़ताल किया है, पता ये चला है कि उस पे किसी और ने अपना कब्जा कर लिया है, काबिज है कोई आपके मकान पे। ऐसे कैसे काबिज हो जाएगा मैं मकान, हमको अगर ऐसे भोसड़ी के कब्ज पेट में हो जाता है वैसे काबिज हो गया है। जब आओगे नहीं फार्म देखने और विकास सेंटर आओगे नहीं मकान के कि हमारा मकान मिला कि नहीं मिला, तो कैसे तुमको पता चलेगा? सारे अधिकारी तुम्हारे घर पे आएंगे, कहा हो तुम? अरे सुनो, पहले ज्यादा बड़बड़ाओ ना, मुंह में बवासीर है कहा तुम्हारे, बोले चले जा रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि 3 महीना पहले हमको फोन कर देते हो ना, ऐसे कैसे कोई भोसड़ी का काबिज हो जाएगा हमारे मकान पे। तुम परमाणु लपट के गिर नहीं गए रहे समुंदर में, पूरा इंडिया को नहीं बचा रहे हो कि सिर्फ तुम्हारा ये फार्म अकेले भरा है, तुम्हारे जैसे यहाँ पे बहुत से फार्म भरी ने, हम लोग सबको फोन कर करके बताएंगे तो फ्री मकान तुमको दे रहे हैं, ऊपर से तुम खुदरा दांत निकाल के अपनी बातें हमसे कर रहे हो। तुम्हारे दांत में तो इतनी चमक है, रोज सुबह हो रही है, रोज लोग सुबह उठते हैं तुम्हारी चमकों से। हमारी बात को समझिए जी, बताइए। देखिए, हम लोग आपके लिए भला, आप सरकार आपके लिए भले के लिए ये सब सारी चीजें मुहैया कराई गई है, बात को समझिए। देखिए, हम बहुत परेशान है, हम किराए पे रह रह के हमारी जिंदगी खराब हो गई, चार चार बच्चे हैं। जिंदगी सही करने के लिए हमने आपके पास फोन मिलाया, आपके पास कुछ जाएगा नहीं। हमने आपके पास फोन इस वजह से किया है कि आपने उसमें लिखा था कि आपका लड़का विकलांग है, तो हमने इस कागज से ज्यादा जोड़ दिए, फोन मिलाया नहीं, अभी भी आपको ना पता चलता। अच्छा, बड़ा एहसान साहब आपका, बड़ा एहसान। एक शर्त पे आपका मकान मिलेगा। जी बताइए। ले चाय ले, फोन ही में लगे रहते हो। अरे चाय रखो, खुशियां मनाओ, मिठाई का ऑर्डर दो, मकान मिल गया है। क्या हुआ? मकान मिल रहा है, खाओ हमारे अंडे की कसम। तो ऐसी चीज की कसम दिलाता है, सर की कसम। हाँ, तुम्हारे सर की कसम। अरे बाहर बाब पर अले कमरे में हम अग्नि पर, नीचे वाले कमरे में तुम अग्नि पर, पूरी बिल्डिंग में भूखा मार जाएगी। हेलो सर। हेलो जी, क्या हुआ, क्या कह रहे थे आप? मतलब आप अपने किससे बात कर रहे थे? ये मेरा लौंडा है। ऐसी औलाद आपने पैदा की, विकलांग ना होती तो क्या पीटी उषा बनते, क्या पूरी रोड पे दौड़ते? अरे आप छोड़िए, ये बात छोड़िए, सब बात छोड़िए, मेन मुद्दे पे आइए कि उसको हटाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। किसको? वो जो काबिज है उसके अंदर। तो पैसा हम काहे देंगे, जो सरकार उसको हटाओगे? 10 लाख रुपया उसकी कीमत है, अगर तुम 50,000 रुपया दे दोगे तुम्हें मकान मिल जाएगा, तो तुम्हारा क्या जाएगा? तुम्हारे बुद्धि नहीं है क्या? उसको खाली करवाना पड़ेगा। अरे भाई सुनिए, पहले आप सुनिए, हमारी प्रॉब्लम सुनिए, हमारे पास पैसा नहीं है। तो कैसे फॉर्म भर दिए तुम? अरे तो फॉर्म फोन करे दे रहे मुझे अपना काबिज रहे। सुनिए तो, कैसे क्या करना है बताइए तो, उसको कुछ करिए, साल आउट करिए भाई। चलो अच्छा 40 दे दो बस, अब मत बोलना, सही हम फोन से थूक देंगे तुम्हारे ऊपर। देखिए हम इतना नहीं दे पाएंगे, इसको कुछ कम करिए कुछ। क्या मांग रहा है, गांव दोगे क्या अपनी, क्या कम ज्यादा कर रहे बताओगे? अरे पैसा मांग रहा, 40,000 रखे आओ, मकान मिल रहा है। अबे मैं कह दी, बाप तय है कि मैं आऊं। बाप मैं है, तुमका पैदा किया, तुमका पाली पोसा, यही से बात खत्म हो गई। पैदा कर दी, मार मारा जो पूरा सबका मकान ही खरीद ले, पूरा माल खरीद ले, अब तुम्हें अयासी करा, तुम एकदम दम दमक दमक दम चमक चमक चमको, हमारी गाल फट जाए। अच्छा दूर हटो, मुझसे बदबू आ रही है, हट। क्या मादर चोदो मकान में रहोगे? हेलो, किराए की मकान में इतना लड़ रहे, वहां तो तुम यार परमाणु बगदाद एकदम बना दोगे। देखिए ऐसा है, बताइए हम क्या करें, बहुत 40,000 दे रहे होगी नहीं, 40 नहीं कुछ और कम करिए, कोई सुधार उधार मांग लियो, कोई दोस्त यार है तुम्हारे घर में? अरे दोस्त यार है, ऐसी बात नहीं ना है, एक साहब मांगो पैसा, उनसे मांगो, जल्दी मांगो, एक मिनट रुको। अन्ना अरे बुला लो जरा सा बिरजू का। ए बिरजू भाई। हाँ हाँ बोलो। अरे आओ जल्दी आओ, अंदर मैटर फंस गया, पापा बुला रहे हैं। अरे तुम लोग का मैटर तो रोड डेली फंसत रहता है। अरे आओ, हमसे लड़ाई ना हो, ये फोन आया कोई का, आओ। आ रहे आ रहे आ रहे।
अबे बिरजू। हाँ बोलो। अबे बड़ा मामला फंस गया है समझो, मकान मिल रहा है समझो, 40,000 रुपया तुम हमका उधार दे दो, हम कोई तरीके से दे के वो मकानवा ले ली बाबा, तुमका धीरे धीरे करके रिक्शा टाली चला के कोई भी तरीके से हम तुमका दे दे। हम काहे दे दी मकान में तुम रहे हम। एक बात बताओ, इससे पहले बाइक का पैसा लेके गए रहे वो, तो अभी तक पाटे उन्हें ना चली। अरे मकान दे दे भाई, मकान मिलने दे। अब तय तो बोलना, तोर आवाज से लग रहा है कि तय ना दे पाबे। अरे तुम तो ऐसा कह रहे जिसे मार रखे हो गए लौड़िया। हेलो सर, सर हाँ बात करो, मांगो मांगो। सर सर क्या कर रहे हो, भोसड़ी का नहीं तो कान में लगा लगा पूरे कान के शेर से पानी गिर रहा है हमारे। तुम्हारा पानी गिर रहा है, हमारा समुंदर बह रहा है कान से। नेटफॉल तो नहीं हो रहा है, चलो बात करो उससे। अरे भैया दे दो भाई, मेरे भाई बिरजुआ दे, समझत रहना। कितना देना है? 40,000 रुपया में। 40,000 में तुमको कौन सा मकान मिल रहा है हमें? नहीं 40,000 में मिले, सरकारी योजना है वो। कह दो काबिज है। अबे तो तुम काहे योजना का लाभ उठा रहे हो, हमारे पास 40,000 लाओ हम ले ली 40,000। अबे पागल हका में, हमारा नाम आवा है कि तुम्हारा नाम आवा है? अरे नाम तो हम 10-20 ज्यादा दे के अपने नाम करा ले। अरे याहू पहले के चक्कर में लग गया, बहुतड़ी की इतनी बात हो रही है, ऐसा मैं रख दूं क्या फोन यार? नहीं रखिए ना, बताइए हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। मांगो उससे, कह दो शाम तक दे देंगे, ऐसे मांगो। शाम तक दे देंगे भाई, शाम तक दे देंगे, पैसा आप दे दीजिए। अबे 10 सिगरेट का 10 रुपया तो शाम तक दे नहीं पाता, तो 40,000 कैसे शाम तक देगा? अबे हम मकान ले ले बे, तुम लोग हमका खुशी देख नहीं सकते हो का बे? हमारा तो जिंदगी सफल हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। हेलो हाँ, अबे कह दो अच्छा 30 दे माँ, 30 दे दो। अच्छा कौन कही इज्जत की 30 तुमका दे दो? अरे कर्मचारी है वहाँ, विभाग का आदमी है, उसे हमसे बात हो रही है। अच्छा अबे तो पहले कितना मांगत रहा? ये 50 मांगत रहा, फिर 40 आवा, फिर 30 आवा। एक बात समझ लो, कहीं फ्रॉड तो नहीं ना? पैसा तो दे दे भाई, तुमका मकान भी तुमका मिल जाएगा, लेकिन पहले पता होता कल। हम तुम लोग की बेचारी, लाचारी, बीमारी, आजारी, बहन की लौड़ी, परेशानी देख के हमने इतना किया है, तुम हम क्या है, हम उसको दे दे? अरे नहीं यार, हमको मकान की जरूरत है। 20 दो भाई। अच्छा सुनो, इतनी टाइम हमारे पास जेब में 825 रुपया पड़ा, ये ले लो, बाकी का कल ले लेना हमसे। बताइए 825 रुपया ऐसे मांगा जाता है भोसड़ी का, जैसे तुम पैसा मांग रहे हो? अरे फिर कैसे मांगी, लेट जाई का लेंगे हो गया? मांगो मांगो। अच्छा उसको कह दो 10,000 रुपया शाम को दे देंगे, ऐसे मांगो ऐसे मांगो। 10,000 दे दीजिए। अबे दे दे भाई, कैसा आदमी है भाई, मकान आते निकल जाएगा यार। अबे तेरी अन्नावा मुर्गी चोर की नहीं तो देख, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 पे आवा, अभी 825 पे आई गता है, रुक तो का मतलब है बे? अबे कोई मतलब है नहीं ना, जो टीन लगी इधर में घर पटी हुई है। अबे यार तुम हेलो, हाँ मैं नहीं दे रहा है। कैसे तुम्हारी औलाद, कैसे तुम हो, कैसे जी रहे हो, कैसे तुम्हारा दोस्त है? तुम तो बहुत अच्छे हो, हम कहा बताई। अबे फ्री में मकान मिले थे, तुम हमसे पैसा ले रहे हो साले का, दोस्त के नाम पे कलंक है। अरे हाँ लेना है। 10,000 रुपये जल्दी भेजो हमारे फोन पे। अरे कहाँ से भेज दे, लड़का बेट डालू, कुछ भी करो, उस बार एक बार आओ ठीक से उससे मांगो 10,000 रुपये, हम तुम्हें फोन पे करे, व्हाट्सएप जल्दी दो, तुम्हारा मकान तुमको दे। देखो भोसड़ी के, तुम सभी हमका का चूतिया समझे हो कहा? I am a Chanking Chanking Lapang Jing Ting Jing and University at the Ladder Lessons and London is the Ladder Slagging. समझ में आई? यहाँ यहाँ से हम पढ़े हैं। तुम हमको पागल दीवाला समझे हो का? कि हम तुमका, तुम 50 कहे हो, फिर 40 कहे, फिर 30 कहे, फिर 10 कहे हो, तुम्हारी फराडियों की नहीं तो चले जाओ, इतनी मार मारेंगे, अभी हम तुम्हारे नाम FIR कराते हैं। हाँ यार फार्म बना रहे, कुछ मारा से मकान ले लो, काफी जो है। अबे हम लोग के पास खुद ही कई कई बीघा जमीन है, हम लोग फार्म भर पाए कभी? चल अच्छा रख कर रख, नहीं अभी अभी हम तोर नंबर आएगा वहाँ, अभी हम तो बोल कहा तेरा बिहार वार से बोल रहा है कभी? काट का फोन बे ऊपर दे। आप लोग से निवेदन है, ऐसे फोन कॉल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दे, ऐसे किसी को पैसा ना दे दे। आप लोग अपना पैसे को सेव करिए, बहुत मुसीबत से कमाया जाता है। जय हिंद।